कुछ लाइट कम है ना यहाँ इस यहाँ पर माफ़ नहीं की दूरी में करते चेहरे वाला आता है फिर वहाँ पे हो जाओ भेजी है ना वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड नमस्कार. मैं आपसे लेकर स्वागत करता हूं आप सभी का अंतर्मन यूथ फाउंडेशन के प्रोग्राम अंतर्मन यूथ कॉन्क्लेव में. और मैं प्रार्थना करता हूं हमारे सभी गेस्ट से कि वो कृपया सरस्वती जी प्रज्वलन करें. Thank you.
दोस्तों अभी तक मैं शुरुआत करनी थी एक वजह ये भी थी कि युवाओं को राजनीतिक सुधार दिलाकर उन्नत करना और आज हमारे देश के जाने वाले चलते चेहरे जो शासन चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री 2019 पैनल में उपस्थित श्री शहजाद पूनावाला जिनका नाम पहचान के लिए पर्याप्त है श्री शहजाद पूनावाला जाना माना नाम अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट भारतीय राजनीति में अचूक समझ रखने वाले एक परिवारवाद व वंशवाद के खिलाफ साहसिक कदम उठाने वाले एक यूथ रोल मॉडल है अक्सर राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों पर हमेशा अपना पक्ष बड़ी ईमानदारी से रखते हुए हमें नजर आते हैं और इन दिनों इनका नया प्रोग्राम जी न्यूज पर टीआरपी के सारे बेंचमार्क को लांघता हुआ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है अंतर्वन यूथ फाउंडेशन सर का सही दिन से स्वागत करता है हमारे दूसरे के श्री अर्पित चड्डा वाइस चेयरमैन आईटीएस एजुकेशन ग्रुप सर का नाम ही काफी है सर की पहचान के लिए एजुकेशन फील्ड के सबसे नौजवान और चमकते सितारे हैं सर का सहयोग सार्वर मार्गदर्शन अंतर्मन के साथ हमेशा से ही रहा है और ये भी एक वजह है कि आज अंतर्मन यूथ फाउंडेशन सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है सर को तहे दिल से अंतर्मन का सलाम हमारी अगली पैनलिस्ट है डॉक्टर रिचा सूद जिनकी मिसाल पूरा शहर देता है जिनकी सोच को संवारा जाता है और विचारों को संजोया जाता है जो एक समाज से लिखा है उनके सम्मान में जैसे सीबीएसई नेशनल अवार्ड जेम ऑफ एशिया अवार्ड गोल्ड स्टार एशिया अवार्ड और ऐसे कई सम्मान सम्मानित किए गए हैं जिन्होंने देश का नाम खेलों में भी गौरवान्वित किया है डॉक्टर रिचा सूद एक सोशल वर्कर है और उसके साथ साथ ये एक ऐसी माँ है जिनकी छाव में हजारों बच्चों ने पढ़कर अपने जीवन को उज्जवल किया है मैम आपका अंतर्मन स्वागत करता हूं अगली जो हमारी पैनलिस्ट है उनका मैं स्वागत कुछ इस तरह करूंगा बदलते देखा है देश को बदलते शहरों को देखा है पर गाजियाबाद को बदलते पहली बार देख रहा हूं बदलते मौसम को देखा है बदलते लोगों को देखा है पर शहर की तकदीर बदलते पहली बार देख रहा हूं गाजियाबाद की बदलती तस्वीर नहीं तकदीर है जिनमें डॉक्टर उदिता त्यागी का एक बहुत बड़ा हाथ है पैनल पर उपस्थित डॉक्टर उदिता त्यागी मैम दिशा फाउंडेशन की फाउंडर है और स्वच्छ भारत अभियान का पूर्णतः सहयोग कर रही है वी ऑल वेलकम यू मैम हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार पांडे जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बच्चों के लिए हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं और शिक्षा जगत का एक ऐसा नाम है जिनके ज्ञान हर विषय पर संपूर्ण है सर का बहुत बहुत स्वागत और हमारे साथ एडवोकेट धनेश गर्गजी है जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट है और एक अच्छा खासा रहा है और अंतर्मन के हमारे अध्यक्ष मिस्टर शिवम जो आकाशवाणी में एक आरजे का पद भी कार्यरत है सर का बहुत बहुत आभार अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री शिवम जी से कि वो यहाँ आए और शहजाद पूनावाला जी को सम्मानित करें Thank you.
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपकी मेरा सदा गई मैं इससे आया हूँ मैं चाहता हूँ स्वागत मैं नहीं अंतर मन की बाकी टीम कर कौन कौन अंतर मन के लोग यहाँ पर है अभी आपके सब अभी कामों में लगे हुए हैं कि आप सब लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजर का काम होता है थोड़ा सा जरूर होना मैं रिक्वेस्ट करूंगा टैगी टैगी से व्हाट्सएप से फीडबैक दीजिएगा अंतर मन प्रति किस जगह सम्मानित करें रिक्वेस्ट करता अनम फातिमा है यहाँ पर या फिर कुछ कामों में है चलिए नामों की सीमाओं से हटकर अगर कोई भी टीम से है वहां करता है और आकर डॉक्टर इंसान मैम का स्वागत करें मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अनिकेत से वो आए और डॉक्टर रिचा त्यागी का अंतर में प्रशिक्षण लेकर स्वागत करें डॉक्टर सुनीता त्यागी मैम का एक बार फिर से स्वागत है रिक्वेस्ट करूंगा आयुष त्यागी से वो आए और एडवोकेट धनेश गर्ग का स्वागत करें और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयुष गोयल और अखिल दीक्षित से वो डॉक्टर सुनील कुमार पांडे जी का स्वागत करें अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अध्यक्ष मिस्टर शिवम गर्गजी की वो एक बार फिर से आए और कुछ चार सब बोले अंतर्मन यूथ फाउंडेशन एक और बोलना चाह बोला था ना अंतर्मन यूथ फाउंडेशन दोस्तों सबसे पहले आप सभी का एक बार स्वागत है अंतर्मन यूथ फाउंडेशन में अपने लिए तालियां बन के इतना धीरे धीरे अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए और इससे भी ज्यादा जोरदार तालियां चाहिए मुझे हमारे आज के अतिथियों के लिए जिनका नाम उनकी पहचान के लिए पर्याप्त है तो अंतर मन में चीजों को बताना चाहूंगा अंतर मन की शुरुआत का उद्देश्य था अंतर मन की सुने और जो अंतर मन चाहे वो करे आप लोगों ने सुना होगा समुद्र मंथन के बारे में एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता उस समुद्र मंथन से पहले हलाहल निकला इसलिए क्योंकि उसमें राक्षस भी थे और दूसरी तरफ अमृत लेकिन यहाँ चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले चाहे बीजेपी की बात कर ले जो आप लोग प्ले कर रहे हैं दोनों ही तरफ अच्छे लोग हैं तो इस हिंसान से इस मंथन से सिर्फ और सिर्फ अमृत निकलेगा इसकी हमें पुरजोर और हमें इसका पूरा समय अंतर मन की तरफ इतना जरूर कहूंगा घनघोर अंधेरा छाए जब घनघोर अंधेरा छाए जब कोई राह नजर न आए जब कोई तुमको फिर बहकाए जब इस बात पे थोड़ी देर तक तुम आंखें अपनी बंद करना और अंतर मन की सुन ले मुमकिन है हम तुम झूठ कहे पर अंतर मन सब बोलेगा जब लम्हा लम्हा आरी हो और गम खुशियों पर भारी हो दिल मुश्किल में पड़ जाए कोई तीर सोच का अड़ जाए तुम आंखें अपनी बंद करना और अंतर मन की सुन लेना मुमकिन है हम तुम झूठ कहें पर अंतर मन सब बोलेगा जब झूठ सच में फर्क रहो जब गलत सही में गिर जाओ तुम नजर में अपनी गिर जाओ इस बात पे थोड़ी देर तलक तुम आंखें अपनी बंद करना और अंतर मन की सुन लेना मुमकिन है हम तुम झूठ कहें पर अंतर मन सच बोलेगा ये जीवन एक छाया है दुख दर्द मुसीबत माया है दुनिया की भीड़ में खोने लगो तुम खुद से दूर हो
सोने लगो, तुम आंखें अपनी बंद कर लेना और अंतर मन की सुन लेना। मुमकिन है हम तुम झूठ कहें पर अंतर मन का बोलेगा। मैं बताना चाहूंगा हमारे साथियों के बारे में। डॉक्टर रिचा सूद, मैं थोड़ी बहुत टूटी फूटी कविताएं करता हूँ बैंक के बदौलत, क्योंकि मैं पहले लिखता था आती है जाती है खाती है पीती है वाली कविताएं, जो टूटा फूटा करा हूँ बैंक की वजह से। डॉक्टर उदिता त्यागी मैम, गाजियाबाद को रंगीन बनाया, अब संकल्प है पूरे देश को रंगीन बनाने का। आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग गाजियाबाद में जब आप लोग आए होंगे वो पेंटिंग, उसका पूरा श्रेय उदिता मैम को जाता है। मैम एक बार दो बार पाने वाले डॉक्टर सुनील कुमार कांग्रेस है। सर का सहयोग हमेशा मिलता है, दिन हो रात हो कुछ भी हो, सर का सहयोग हमेशा मिलता है और बस आशा है कि आगे भी मिलता रहेगा। और अर्पित सरकार से, अर्पित सर के बारे में बहुत कुछ कहूँ तो शायद पूरा भाषण इसी में चला जाए। अर्पित सर का व्यक्तित्व बहुत विशाल है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। शहजाद पूनावाला जी के बारे में दो लाइनें कहना चाहूंगा, क्योंकि शायद मैं उस लायक नहीं सर के बारे में बहुत कुछ कह पाऊँ। सर के बारे में इतना कहना चाहूंगा, साथ इनके खड़े हो गए लोग यूं ही बड़े हो गए। साथ इनके खड़े हो गए लोग यूं ही बड़े हो गए। आज आप लोग स्वयं को धन्य माने कि आपको सर का ताले से प्राप्त हुआ है। सर के लिए एक बार उस तरीके की तालियां बनाइए जिस तरह की तालियां अंतर को लगाई के मांगता है। एक नौजवान चेहरों में एक सबसे नौजवान चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, एडवोकेट धनेश गर्ग। इनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है, लेकिन सर जब बोलते हैं तो युवाओं को सर कर जानी पड़ती है। वो उग्रता, वो तेवर, वो कलेवर कहीं नजर नहीं आते। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होगा। वो पोडियम पे आए और मार्गदर्शन दें। रिस्पेक्टेड मिस्टर शहजाद पूनावाला, श्री धनेश गर्ग, डॉक्टर रिचा सूद, डॉक्टर उदिता त्यागी, मिस्टर शिवम गर्ग, डॉक्टर सुनील पांडे, सिग्नेटरीज ऑफ द डाइस एंड द ऑडियंस, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक विच हैज बीन टेकन फॉर द डे फॉर अ पैनल डिस्कशन विच वुड बी हैपनिंग वंस आई फिनिश एंड जस्ट टेक 5-7 minutes ऑफ योर्स। आई हैव मायसेल्फ बीन कीपिंग लॉट बिजी, आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज नॉट इन इंडिया, but then I was requested to be part of this and I am glad that I have come here and I will be sharing my thoughts with you all. PM 2019, very nice topic. Let me begin by saying you all would agree, a PM is elected for growth of a country. That is, once Prime Minister is elected, his main focus, main aim is the growth of a country. But it is sad to say that it has been seen in the past that PM is portrayed more of a particular party than of a country. हम लोग इस बात की बहस करते रहते हैं बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। We are forgetting that Prime Minister once elected does not belong to a particular party, but it belongs to the country. PM का काम है country की growth. There is always competition between parties, whereas once elected, PM, as I said, as an individual, is responsible for the well-being and growth of the country and not waste time in trying to prove other parties inferior than one's own party. I don't know whether I should be saying it or not, but there are always two sides to a coin. Similarly, there are two sides to a media also. Media of late has been used as a marketing tool. I don't know, again, if I should be saying it or not, the true side, the real side is portrayed or not is a big question mark in an audience mind. As a media person, one might say whatever is displayed on a TV or a radio is 100% accurate. But then as an audience, there's always a big question mark on that. Recently, I've been hearing a lot of ads, I don't know whether you've been. One party is asking for funds via campaigning on radio. Other parties are busy proving others inferior and not speaking about their current achievements and plans for future growth of the country.
One's focus should be what I have done and what I will be doing if I am elected as PM in the next term, rather than blaming the other parties and just talking about wrongdoings of other parties. The most talked about topics of the tenure of the Prime Minister, Honorable Prime Minister, were demonetization and GST. Again, something I think good or bad, it should be led to the people, and the real statistics should decide whether these things, that is demonetization and GST, were good or bad for the country. India's population, as we all know, is a major trouble. It is equivalent to 17.74% of total world's population. That is 135.86 crore approximate is the population of the country, as I read it today morning on the Google. So the big question mark is, are we doing anything to control it? In 2050, expected population of India is to be 1.69 billion, which will be higher than that of China, that is 1.31 billion. Demand of water in 2050 is projected to be more than 50% of what it was in 2000. And demand for food would also be doubled. All these problems need to be addressed now immediately. Else, the end we all know would be no resources left. An increase in demand of increased population would lead to increased death rate of the country, which would be the worst possible part for a country. In rural areas, even today, women are treated as machine for producing children. Till the time a boy is born, all this must stop. Measures like incentive to families for having only one child or two child. I don't know how many of you are aware, but China had this policy of just one child. So there were a lot of negative comments which came their way, but the end result is for all of us to say. China has controlled its population, and it is something which India should do it sooner than later. Delayed marriages could be another thing which India can adopt. Every individual should get basic necessities of life. That is what I believe, and I'm sure you all would. Except if I say that food, clothing, shelter, the basic necessity, is a right of every Indian. Millions of people living below poverty line must be brought up and at least to be able to survive by themselves. This should be one of the major focus of a Prime Minister who is elected in upcoming elections. How do we make people self-sustainable? Jobs should be created. There was a recent movie, I don't know how many of you saw. The movie was titled Sui Dhaga. I really liked that movie. And why did I like that? If you notice, there were sewing machines given to the poor people. Something similar could be done to make people self-sustainable so that basic necessities are fulfilled. Governments do take up distribution of autos, rickshaws, etc. That is something again which is good. Black money is eradicated, so as to say so, but the fact remains, people who have major part of country's income are still roaming free. I would not be naming the people, but we all know the people I am talking about. There's a big question mark over them. People do fraud, they run from the country. How do they come back is a question mark again. Keeping country safe should be the major agenda of a Prime Minister. Ensure internal and external security of the country and continuous engagement with neighboring countries. Good relation with other countries, that is, keep international relations progressive to sustain its position at international forums. There has been a forever dispute over Jammu and Kashmir, which must end someday. There's enough of a fight between X and a Y country regarding Jammu and Kashmir. It must end someday. Again, something should be there on the agenda of a PM. A good pay should be given to Indian scientists, that is what I believe, to do research and come up with things no other country has. I don't know the particular budget of India regarding research, but I am very sure it is not anywhere close to what the other countries have. Health system should be strong. People shouldn't die because of not getting a bed in a hospital. Corruption in hospital needs to stop. Again, the same movie I talked about showed how doctors take out kidneys of patients when they are admitted for a particular reason, and they end up taking out kidneys and selling it for money. They should stop. Last but not the least, to keep society progressive in a cohesive manner without harming multicultural, multilingual social structure. I'm sure whosoever the Prime Minister of India would be it from an X or a Y party, he or she would do justice to the country and take India ahead.
we as young citizens should do our bit. We should stay honest. We should avoid getting into the modes of corruption. And wherever we see a corruption, we should open our mouth and keep our eyes open and not be shut. And I'm sure India's got a long way to go, whosoever the Prime Minister might be. Let us be with the coming Prime Minister and take India ahead. Good luck. Thank you. God bless us all. थैंक यू वेरी मच सर. अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारी टीम बैच श्री शहजाद पूनावाला जी से कि वे कृपया पोडियम पर आए और हम सबको अपने शब्दों से मार्गदर्शन दें. सबसे पहले मैं आईटीएस मोहन नगर गाजियाबाद और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे भाई अर्पित चड्डा जी, जिनका कुछ ही दिन पहले जन्मदिन था, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना मंच और इस कैंपस को एक बार नहीं कई बार अंतर्मन यूथ कॉन्क्लेव जिसका संचालन और जिसके कर्ता धर्ता मेरे छोटे भाई शिवम गर्ग हैं, उनको दिया और उनको एनकरेज करने का काम किया. मैं उस विचारधारा और उस स्थिति से आता हूँ कि जहाँ पर काबिलियत को जब मौका नहीं दिया जाता है तो कैसा महसूस होता है, कैसी घुटन महसूस होती है, ये मुझसे ज्यादा भुक्तभोगी इसका कोई नहीं रहा होगा. और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हम उम्र अर्पित चड्डा जी ने ये काम जरूर किया कि शिवम गर्ग को और अंतर्मन यूथ कॉन्क्लेव जिसकी टीम में आयुष, अखिल, अनिकेत, बहुत सारे युवा साथी जुड़े हैं, उनको ये मंच देने का काम किया, क्योंकि नए भारत की जो कहानी है जो आज रची जा रही है वो इन्हीं युवाओं के कंधों पर इस कहानी को रखकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और नए भारत की तस्वीर और तकदीर बनाने का काम करेंगे. मेरे साथ इस पैनल डिस्कशन में जुड़ने वाले एडवोकेट दिनेश गर्ग साहब, डॉक्टर सुनील कुमार पांडे साहब जो यहीं से हैं, और डॉक्टर रिचा सूद, डॉक्टर उदिता त्यागी जी और तमाम इस इंस्टीट्यूशन के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में अपना योगदान दिया. और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि आज एक सैटरडे का दिन निकाल कर जब आराम से छुट्टी मनाने का काम भी किया जा सकता था, तब आप जैसे युवा साथी मॉडर्न पार्लियामेंट कि इस प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की और यहाँ पर आए, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा तालियों के हकदार आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने का काम किया. मैं हमेशा से इसका पक्षधर रहा हूँ कि कॉलेजेस के कैंपस में देखो वो वाली राजनीति जो हम डीयू कैंपस में देखते हैं, जेएनयू में देखते हैं, वो पार्टी और दलगत राजनीति होती है. एबीवीपी और एनएसयूआई एक दूसरे का सिर माथा फोड़ते हैं, ये सब तो चलता रहता है, पर देश को आगे ले जाने के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है कि जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए. और वो अवेयरनेस भारत में राजनीति में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, परिवारों में क्या हो रहा है, और जहाँ की लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से काम कर रही है, इसके ऊपर हमें सतत मंथन करना चाहिए और हमें अपना उस पर फोकस रखना चाहिए. क्योंकि जो लोकतंत्र होता है वो लोकतंत्र सिर्फ किसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग से नहीं चलता. आज आप लोगों ने पार्लियामेंट बनाने का काम किया, यहाँ पे आप शायद वो पूरा वो प्रक्रिया शिवम यहाँ पे वही प्रक्रिया हुई कि यहाँ पे कोई पक्ष था, विपक्ष था, कोई प्रधानमंत्री था, लीडर हो, ये सारी चीजें हम लोग कॉलेज में करते थे. और मैं ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ तो मुझे मतलब मत समझना, पर कुछ ही साल पहले कॉलेज में था. शिवम हमारे अर्पित और मेरी एज सेम ही है तो हम लोग भी ये करते थे. पार्लियामेंट जो हम लोग की पार्लियामेंट दिल्ली में है, सेंट्रल दिल्ली में, लूशियंस दिल्ली में, जो जहां से फिर राष्ट्रपति जी का घर आता है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जहां पे है, पार्लियामेंट बिल्डिंग से नहीं है, वो तो बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई है, वो पहले पार्लियामेंट भी नहीं था, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ. पार्लियामेंट चलता है वहां पे बैठे प्रतिनिधियों से और उसकी जो आत्मा है, और वो आत्मा कौन है, वो आत्मा यहाँ पे मुझे अपने सामने दिखाई दे रही है. आप पार्लियामेंट की आत्मा हो और आप से वो पार्लियामेंट.
और आज वो आत्मा इस यूथ पार्लियामेंट में, इस मॉडल पार्लियामेंट में भी यही है। और उम्मीद मुझे यही है कि कल, आने वाले कल में आप ही में से कुछ लोग उस पार्लियामेंट में बैठने का काम करेंगे और देश की दशा और दिशा को तय करने का काम करेंगे, ये मेरी दिल से उम्मीद। और उसमें सबसे जरूरी क्या जो हमें ये दिया गया है सम्मानित करने के लिए, ये जिनकी मूर्ति हमें दी गई है, जिनका हमें ये मोमेंटो दिया गया है, स्वामी विवेकानंद, इनके जन्म को हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे के नाम से भी मनाते हैं। ये सबसे बड़े आइकॉन थे, न केवल भारतीयता के, पर मैं समझता हूं कि पूरे युवाओं को, अगर पूरे दुनिया भर के युवाओं को अगर कोई प्रेरणा का स्रोत, अगर उनका नाम लिया जा सकता है तो स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी की हमेशा यही बात है कि जागरूक हो, जागो और समझो क्या हो रहा है अपने समाज में, क्या हो रहा है और अपने आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और अपनी भारतीयता से हमेशा आप गर्व महसूस करो और उसको दुनिया भर तक ले जाने का काम करो। अब सवाल आता है आज के मुद्दे का, और वो कैसे इन चीजों से जुड़ा है। आज का मुद्दा, मैं, मेरे भाई अर्पित ने बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स रख दी जो मैं बोलने वाला था, तो ये अंतर मन की भी बात है और मेरे मन की भी बात उन्होंने यहां पे रखी। पर ये सवाल अब हमारे जुबान पर है कि 2019 के चुनाव बस कुछ महीने ही बाकी रह गए, अब चंद दिनों के अंदर 5 राज्यों के चुनाव होंगे, वो भी एक सेमीफाइनल माना जाएगा, किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कई लोग वहां से आते भी होंगे, मध्य प्रदेश के कई साथी होंगे, राजस्थान के भी होंगे, छत्तीसगढ़ के भी होंगे, और उसके बाद आएगा फाइनल। फाइनल मतलब लोकतंत्र में जो जिसको फाइनल माना जाता है, T20 का हमारा फाइनल कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2019 में, उसका अप्रैल मई में चुनाव होगा। मैं दलगत राजनीति की बात नहीं करूंगा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, आप इसको वोट दीजिए, आप इसको, हमें तय करना है कि हमारे प्रधानमंत्री में जो भी हो प्रधानमंत्री, उनमें 3 या 4 चीजें क्या होनी चाहिए जिसके बलबूते पर जब हम वोट करने जाएंगे तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे का चुनाव करेंगे कि कौन सा व्यक्ति हमारे देश का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने के लिए सबसे ज्यादा सक्षम है, सबसे ज्यादा काबिल है। पहले तो मुझे बता दीजिए कि आप में से कितने लोग वोट डालेंगे 2019 अपने आप के लिए, एक बार ताली बजा दीजिए। और कौन लोग हैं कि जो वोट नहीं डालेंगे 2019 के चुनाव में, आप नहीं डालोगे, और कौन नहीं डालेगा वोट? नहीं, नोटा डालना भी वोट डालना है, मैं नोटा की बात नहीं कर रहा, नोटा भी डाल के आओगे तो डाल के आओ, पर आपको नोटा चाहिए प्रधानमंत्री तो वो मत बताना, पर आप डाल के आइए वोट अपना। पर मैं पहले फिर से पूछना चाहूंगा कि 3-4 जिन लोगों ने हाथ ऊपर किए कि प्रधानमंत्री के या मतलब जनरल इलेक्शन के लिए वोट डालेंगे, फिर से एक बार कौन कौन डालेगा वोट इलेक्शन के लिए? ठीक है, आप बताइए कि आप क्या सोचते हुए डालेंगे, इनको माइक दीजिए या ऐसे ही बोल दीजिए, आप अपना नाम बताइए। हाँ नहीं, आपसे नाम बताइए और क्यों आप वोट डालेंगे 2019 में? मिस्टर रुचि चौधरी जी, आप क्यों वोट डालेंगे 2019 में? आपको कैसा, कैसी सरकार चाहिए, कैसा नेतृत्व चाहिए? जैसे कि मैं एक यूथ हूँ, युवा हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमारे कंट्री में एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो बहुत सारी, जैसे कि एसएससी स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इतने सारे इश्यूज हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है, तो अभी आने वाले समय में हम भी किसी जॉब पे प्लेस्ड होना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी सरकार आए जो युवा जिनसे, और स्कैम के बारे में भी उन्होंने बोला, कोई यहाँ से भी हाथ उठा रहा था जी, आप बताइए, आपका नाम बताइए। और मैन, मेरा नाम मयंक है। जब बात आती है वोटिंग की, तो सबसे पहले माइंड में एजेंडा ये होता है कि पहले जो पास्ट प्रीवियस 5 इयर्स में जो प्रॉमिस किए गए हैं अगर वो फुलफिल हुए हैं, प्लस उसके बाद बैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि जो इस टाइम पे डेवलपमेंट हुई है वो क्या प्रीवियस गवर्नमेंट की डेवलपमेंट से ज्यादा है, उसको देख के, और
वो पार्टी जो उस सेक्टर के बारे में सोचती है जिसके बारे में कोई नहीं सोच पा रहा, जैसे हमारे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे जो वर्कर्स हैं एंड स्पेशली हमारे फार्मिंग सेक्टर के बारे में, तो अगर कोई पार्टी उसके लिए प्रॉमिस करती है तो वो चीज हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो मैं दोनों व्यूज को अगर समाप्त करूं तो एक उन्होंने बोला है कि जो युवाओं से जुड़े मामले हैं जैसे कि जॉब है, जैसे कि एसएससी वाला स्कैम है, और इन्होंने कहा कि मैं ये इस बात से वोट करूंगा कि मुझे क्या प्रॉमिस किया गया था, उसकी कितनी डिलीवरी हुई, और उसके डिलीवरी का मूल्यांकन करने के बाद मैं ये भी मूल्यांकन करूंगा कि इससे पहले जो सरकारों ने काम किया था कितनी गति से काम किया था, और वो आगे वाली गति रही कि नहीं रही, या उससे ज्यादा बढ़कर हुआ काम या कम हुआ। तो ये पूरी तरह से एक तरीके से एक मूल्यांकन, एक अकाउंटेबिलिटी के पैमाने पे वो वोट करने का काम करें। मैं समझता हूं कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें ये कहीं नहीं किया कहा गया है कि प्रधानमंत्री के लिए वोट करना। हम लोग जब वोट करते हैं, अमेरिका में जब वोट होता है तो वहां पे एक राष्ट्रपति के लिए चुनाव, राष्ट्रपति वाला वहां पे सिस्टम है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति वाला सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री, जब हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट करते हो, आप एमएलए के लिए वोट करते हो, और आप पार्टी के लिए वोट करते हो, पार्टी के लिए वोट करने के बाद वो लोग सब एक तरफ ऐसे ही बैठते हैं, वो तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वो तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन। पर राजनीति में क्या होता है कि कोई एक प्रधानमंत्री होता है तो उसके नेतृत्व के बारे में इतनी चर्चा हो जाती है कि मन में एक बात आ ही जाती है कि पिछले चार साढ़े चार साल नरेंद्र मोदी रहे हैं तो वो है, और हो सकता है कि राहुल गांधी दूसरी तरफ है तो राहुल गांधी एक दूसरा चेहरा है, और मायावती बहन मायावती है, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है वो भी एक नेता है, और कई ऐसे सारे चेहरे जो पार्टियों के लीडर है उनके चेहरे सामने आ जाते हैं, उनके नाम पे हम पार्टियों को उनके एमएलए एमपी को वोट देने का काम करते हैं। तो ये तो आपके सामने पर्सनैलिटी तो आएगी आएगी। अब आपको पर्सनैलिटी, शायद किसी को नरेंद्र मोदी की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पसंद आए, किसी को राहुल गांधी का पर्सनैलिटी पसंद आए, ये अलग अलग आपको तय करना है कि आपको एक कामदार पसंद है, आपको एक नामदार पसंद है, आपको उनकी फैमिली की लेगेसी पसंद है, आपको एक ऐसा व्यक्ति पसंद है जो चाय वाले से उभर कर आगे आया, वो सारी चीजें आपकी पर्सनल प्रेफरेंस। उसमें अरविंद केजरीवाल जी थे और मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, पर वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में नहीं है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, पर वो भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी दिल्ली के लिए एमपी चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है मेरी बहन को टिकट भी मिलेगा दिल्ली से, तो अच्छी बात होगी। पर पॉइंट ये है कि अब आप तय कीजिए तीन या चार पैमानों पर, और वो तीन या चार पैमाने में आपको बता के फिर मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। पहला पैमाना ये है कि भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी विविधताएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी गरीबी भी थी, इतनी प्रॉब्लम्स है, और मैं खुद सरकार में काम कर चुका हूं तो मुझे पता है कि मैंने एक बार प्रपोजल दिया था, मैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में काम करता था जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, फिर मनमोहन सिंह जी की भी नौकरी चली गई, मेरी भी नौकरी चली गई, पर मुझे उसका मलाल नहीं, अच्छे आदमी को नौकरी मिली तो मुझे उसको उसका मलाल नहीं, देश का भला हुआ है। मैंने एक प्रपोजल मूट किया था कि क्यों ना हमारी पार्लियामेंट के अफेयर मिनिस्ट्री के तहत और पार्लियामेंट के तहत कि ये यूथ पार्लियामेंट करने का काम किया जाए, और उसको एक बड़े पैमाने पे लोकसभा टीवी पर, राज्यसभा टीवी पर इसको करने का काम किया जाए, और वो फाइल तो मेरे दफ्तर से तो फाइल चली गई, पर वो फाइल कहाँ चली गई, कहाँ अटक गई, कहाँ वहां यहाँ वहां इधर उधर जाके जाके इधर उधर, अभी तक वो फाइल का आता पता कुछ नहीं है, कहाँ है वो प्रपोजल, वो प्रपोजल ही रह गया। तो ये है हमारे भारतीय ब्यूरोक्रेसी की खूबी, जिसको हम लोग रेड टेपिज्म भी कहते हैं। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति बाहर से आ रहा है, उसको वहां पे पॉलिटिकली जो 60 साल 65 साल सिस्टम चला आ रहा है, उसको चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसको चलाने वाले राजनेता हैं, उन्होंने भी अपने स्टेक होल्डर्स बना के रखे, उन्होंने भी अपनी ब्यूरोक्रेसी बना रखी रखी है, उन्होंने भी अपने अफसर फिट कर रखे हैं, पहले तो वो अफसर खंगालने में कि ये लोग हमारा काम करेंगे या ना करेंगे, फिर ये बताना कि यार ये लोग सही करेंगे या डुबाएंगे। अब आप देख रहे हो सीबीआई में क्या हो रहा है, वो सीबीआई वो एक दूसरे के खिलाफ रेड कर रहे हैं। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि पुरानी सरकारें तो चली जाती है, पर सरकारों के सबसे मेन हिस्से कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बड़े विचित्र प्राणी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपनी सियासत करते हैं,
ब्यूरोक्रेट्स हमारी सुनते हैं, राजनेताओं की सुनते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। वो हमें महसूस कराते हैं कि हमारी सुन रहे हैं, पर सुनते तो हमारी नहीं है, वो अपना करते हैं। उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, वो अपनी अलग अलग चीजें करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। और आप सोचे कि एक ऐसा नेता है प्रधानमंत्री मोदी, कोई ऐसे वैसे नहीं, वो 13 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, बार बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहने के बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसने गुजरात में बहुत अच्छा शासन दिया, वो भी जब दिल्ली आता है तो उसको भी दिल्ली से निगोशिएट करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की व्यवस्थाएं अलग है। तो भारत इतना बड़ा देश है, आप सोचिए कि हम दिल्ली से पूरे देश को संचालन कर रहे हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्य सरकारें भी हैं, और राज्य सरकारें होने के बावजूद वहां पे ब्यूरोक्रेसी, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ब्यूरोक्रेसी, इसको निगोशिएट करना। तो मैंने अगर एक स्कीम चालू भी कर ली कि मुझे चाहिए कि भारत में टॉयलेट बन जाए, उस स्कीम को जमीन पे उतारने का काम करना, वो कितनी तेजी से उतारा जा सकता है। पर फिर भी अगर 35% हमारी सैनिटेशन कवरेज थी, और आज जब प्रधानमंत्री ने फिर से लाल किले से ऐलान किया कि 95% तक सैनिटेशन कवरेज हो चुकी है, लगभग 95% गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए ये सबसे बड़ी बात है। ये छोटी चीज है, ये हम लोगों को नहीं महसूस होती। हम लोगों को अगर टॉयलेट जाना है, हम यहाँ चले जाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छे, मैं पहले आया, गाड़ी से 1 घंटे की ड्राइव थी, तो मुझे टॉयलेट जाना था, मुझे ये चिंता नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना, मुझे पता है यहाँ पे बेहतरीन टॉयलेट बने, मैं तुरंत चला गया वहां पे, अपनी शक्ल तुरंत देख ली, अपना सब ठीक कर दिया, अपना नेचर कॉल को भी अटेंड कर लिया, मैं आ गया यहाँ। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे लिए नेचुरल बात है। पर आप उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो गांव में है, जो लड़कियों को, महिलाओं को ये तय करना पड़ता है कि मैं इस समय पर जाऊंगी, और पूरे दिन फिर मुझे जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी आबरू और इज्जत का सवाल है कि मुझे खुले में शौच करना पड़ता है, वहां पे कुछ गांव के लोग देख रहे हैं, कोई क्या हो जाता है, ये सारी चीजें हम अवेयर है। बलात्कार के जो मामले होते हैं, छेड़खानी के मामले होते हैं, अक्सर तब होते हैं जब वो महिलाएं सिर्फ अपनी एक बुनियादी चीज, एक शौच करने, उनके पास वो भी आजादी नहीं है। हम आजाद मुल्क कहते हैं हमारे अपने आप को, पर इतनी भी आजादी नहीं थी 4 साल पहले कि महिलाएं वक्त आने पर अपना शौच जा सके। उनको सुबह जाना पड़ता था या ऐसे वक्त में जाना पड़ता था जब किसी की निगाहें ना। ये हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति। एक दूसरी योजना थी उज्ज्वला योजना की, मैं गैस सिलेंडर दे दूंगा। आप और मेरी माँ जो है वो, आपकी और मेरी माँ जो है एलपीजी के सिलेंडर पर बनाती है खाना। मेरी माँ ने कभी दुपट्टा ओढ़ के ऐसे खांसते हुए खाना नहीं बनाया मेरे, और मैं मेरी माँ के हाथ का ही खाना खाता हूँ। मैं बताता हूँ आपको, उनकी रोटियां जो बनती है वो होटल की रोटियों से बहुत ज्यादा बेहतर होती है। पर उनको कभी तकलीफ नहीं हुई कि वो धुआं अंदर ले रही है, मुझे कभी ये महसूस भी नहीं हुआ कि मेरी माँ उस सिलेंडर के सामने खड़े रहकर हमारे लिए खाना बना रही है और वो उनकी सेहत पर असर हो रहा है, क्योंकि एलपीजी बहुत क्लीन गैस। पर आप उस माँ के बारे में सोचिए जिस माँ को, उस माँ को, देखिए मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये बात मजाक का विषय लग सकता है, मुझे पता है, पर मैं उन माओं के बारे में बात कर रहा हूँ, और जब मैं उन माओं के बारे में बात कर रहा हूँ तो कम से कम आपको अपनी माँ का जो चेहरा है वो सामने आके आना। अब उन माओं के बारे में सोचिए जिनको वो धूल, वो धुआं महसूस करना पड़ता था, देना पड़ता था बस अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाना। आज वो सिलेंडर उनको दिया जा रहा है कि मुफ्त का सिलेंडर लीजिए, उसके साथ एक इक्विपमेंट मिल रहा है कि आप उससे खाना बना सकते हैं, और उनको वो मुफ्त दिया जा रहा है। अब ये स्कीम हर स्टेट में लागू करना, इसके लाभदायी सही लाभदायी हो, कोई चोर उचक्का इसको ना मिल जाए, करप्शन ना हो जाए, गलत बेनिफिशियरी को ना मिल जाए, इसको जमीन पर उतारना, और फिर 5.5 करोड़ गैस सिलेंडर पहुंचाना महिलाओं के पास, मतलब 5.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचाना, मतलब कम से कम 25 करोड़ लोग जो कल तक वो गुड़ इकट्ठा करके कोयले पे बनाते थे अपना खाना, उनको सिलेंडर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये डिलीवरी और इंप्लीमेंटेशन, तो हमें चाहिए एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो मर्द हो महिला हो, ऐसा व्यक्ति हो कि जिसने घोषणा की तो वो घोषणा उसको डिलीवरी भी लाने की हैसियत रखता है। हाँ, ये समझते हुए कि इतनी सारी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम, तो हमें चाहिए ऐसा व्यक्ति जो डिलीवरी कर सके, जो बात बोलता है तो वो बात करके भी दिखाता है, या कम से कम उसकी साफ नियत हमें दिखती है कि करने की नियत है उसे। और ये तभी हो सकता है जब एक मजबूत नेता हो, मजबूत नेता। मजबूत नेता कौन होगा?
मजबूत नेता वो होगा जिसको हम लोग तय करके दे दे कि यार आप चलाओ पांच साल, आपको पूरा मैंडेट देते हैं। अगर आप मजबूत नेता देना चाहते हो तो आप इनको 30 दे दो, उनको 32 दे दो, उनको 34 दे दो, इनको 44 दे दो, ये सब मिलके एक बनाएंगे अपना। फिर ऐसा होगा कि कभी 32 वाला बनेगा, फिर 44 वाला बनेगा, हर दो महीने में प्रधानमंत्री बदलेगा। आप बोलोगे मैं शो इतने नहीं बदलता हूँ जितना प्रधानमंत्री ने वो होगा मजबूर प्रधानमंत्री। क्योंकि मजबूर इसलिए होगा क्योंकि उसको बंगाल से फोन आएगा कि मेरे आदमी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, साउथ से उसको फोन आएगा कि मेरे आदमी को रेल मिनिस्टर बना दे, और प्रधानमंत्री बोलेगा कि मैं किसी काबिल मंत्री को भी बना दूं, कैसे आपके आदमी को बनाते रहो। तो वोट देना है तो ऐसे व्यक्ति को दे दो, ऐसी पार्टी को दे दो जो आपको पूरी तरीके से फिर अकाउंटेबल हो सके। क्योंकि आप अगर 32 को देंगे, 34 को देंगे, 44 को देंगे, तो फिर आप ऐसे ही हिस्से हिस्से करके आप अपनी अकाउंटेबिलिटी देख लेना। वो महन भाई को ये फिर बोलना पड़ेगा कि पांच साल में 32 वालों ने ये वादा किया था, 44 वालों ने ये वादा किया था, 44 ने अपना वादा नहीं किया, 32 वालों ने कर दिया, कंफ्यूजन हो जाए। तो ये मन कंफ्यूजन मत रखिए अपने मन। तीसरी बात, जब ऐसी स्थिति होगी तो पाकिस्तान हमें एक दिन आंख दिखाएगा, एक दिन चाइना में आग दिखाएगा, एक बोलेगा पाकिस्तान को जाकर कर दो सर्जिकल स्ट्राइक टू कर दो, दूसरा बोलेगा भाई साहब मत करो हमारे वोट बैंक का मामला, अरे कश्मीर पे ये मत बोलो, अब मान लो इनके कोई साथी कश्मीर से होंगे, बोलेंगे नहीं 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 कश्मीर में तो हम लोग को ये सब नहीं चलता, हम लोग को बातचीत करनी है पाकिस्तान से, इनके खिलाफ आप सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते। आर्मी को पीएम बोलना चाहता है भाई जाके हमारे सेना के लोगों को मारा है, मार के इनको, और वहां से अलायंस पार्टनर का फोन आएगा बोलेगा बिल्कुल नहीं साहब, हमारी वहां पे सियासत खत्म हो जाएगी अगर आपने जाकर कुछ किया वहां पे। तो फिर प्रधानमंत्री आर्मी का कॉल डिस्कनेक्ट करेगा, बोलेगा छोड़ दो यार इस बार भी हम पाकिस्तान का फ्रेंड, और फिर पाकिस्तान के हौसले बढ़ेंगे, चाइना के हौसले बढ़ेंगे, और जो 26/11 जैसे हमले होते थे वो हमारे पे आतंकवादी हमले होते थे। तो आपको निर्णायक व्यक्ति इसलिए चाहिए, निर्णायक सरकार इसलिए चाहिए ताकि अगर कोई हमारे पे आंख उठाकर भी देखे तो उसकी आंख से आंख मिलाकर कम से कम उसको जवाब देने का हौसला हमारे प्रधान। ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग सोचते रह जाए और वो हमें हमला करते रहे, या तो इंदिरा जी की तरह दो टुकड़े कर दो या मोदी की तरह जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, पर उनकी सुन के मत। निर्णायक सरकार। चौथी चीज, ऐसे व्यक्ति को वोट दो जिसका आपको पूरा यकीन है कि इसको कोई भ्रष्टाचार से लेना देना है, क्योंकि वो अगर अपनी जेब भरने में ही वक्त लगाएगा तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। आज एक कदम उठाया गया डिमोनिटाइजेशन का, नोटबंदी का, बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं करना चाहिए था, ये तो कैसे आपने अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। आज सारे लोग जहां पे मैं जाता हूं वो बड़े खुश है, वो कहते हैं कि देखिए हमारा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो उन लोगों का हुआ जिनके बेड के नीचे बहुत सारे 500-1000 रुपए के नोट पड़े हुए, उनको आधी आधी रात में वो बैगों के बैग निकाल के अपनी गाड़ी में डाल के पता नहीं कहां कहीं ने एक्सचेंज कर दिया, कहीं ने गंगा में डुबा दिया, कहीं ने आग लगा दिया, और कहीं ने बैंकों में जमा कर दिया, और आज उसका पूरा ट्रैकिंग होके इनकम टैक्स निकाल रहा है कि किसने अपने कायदे से डिपॉजिट किया है या किसने ऐसे डिपॉजिट किया है जिसकी कोई चोट नहीं है, और उसको फिर इनकम टैक्स नोटिस जा रही है और उनसे टैक्स वसूला जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पर ऐसे फैसले कौन लेने का, मान लीजिए कि अगर वैसी सरकार होती वो 32-44 वाली, 32 बोलता भाई मेरे तो 500 रुपए के नोट मेरे है भाई, तू बंद कर देगा नोट तो कैसे होगा मेरा काम, 44 वाला बोलेगा नहीं करना है हमें अर्थव्यवस्था को साफ करना है, तो ये कश्मकश की स्थिति होगी, एंटी करप्शन का कोई मेजर नहीं ले पाएंगे हम, और एंटी करप्शन का मेजर नहीं ले पाएंगे तो फिर आपको पता है राजीव गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे वो जो है वो बिचौलिए खा जाते हैं, तो मेरे गरीब आदमी के पास 1 रुपया केंद्र की सरकार भेजती है तो उसके पास महज 15 पैसे, और ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो बिचौलियों की सरकार हो, हमको ऐसी सरकार चाहिए जिसमें बिचौलियों का पूरी तरीके से नस्तनाबूद उनको कर दिया जाए, बिचौलियों का कोई रोल ना हो, उनकी नो एंट्री। और आज ऐसे मुझे लगता है कि प्रतीत होता है कि हमारी सिस्टम भी ऐसे बनती जा रही है जहां पे भ्रष्टाचार लगभग खत्म होने की स्थिति है, चाहे आरोप तो लगते रहे पर हम लोगों को ऐसी स्थिति बनानी है जहां पे बड़े स्केल पे जो भ्रष्टाचार होता है उस पर काबू पाने के लिए कुछ कदम उठाए जाए और उसमें कोई दो माइंड ना हो। और आखिरी में, ऐसी सरकार होनी चाहिए या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए
जिसके मन में भेदभाव की भावना ना हो। देखो हम लोग अब 29 तारीख से आपका मुझे लगता है मुद्दा भी राम मंदिर था पार्लियामेंट वाला। राम मंदिर किसके लिए मंदिर बन रहा है, किसके लिए बन रहा है वो मंदिर? राम मंदिर किसके लिए बन रहा है? अब ये मत बोलना बीजेपी के लिए बन रहा है। राम मंदिर किस व्यक्ति के लिए, किस भगवान के लिए बन रहा है? और नहीं, क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? आप विपक्ष के नेता की तरह, ये विपक्ष में देखा? चलिए अच्छी बात है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ये अच्छी बात। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि श्रीराम जी को उनकी एक कहानी है कि श्रीराम जब रावण के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्होंने सबकी सहायता ली। और एक वो कहानी है कि एक गिलहरी भी उनके पास आई, स्क्विरल भी आई, तो उनका उसका मजाक उड़ाया गया, भाई तुम क्या कर दो। पर श्रीराम ने उसको भी कहा कि भाई तुम्हारी भी जरूरत है, आपको पता है वानर सेना के साथ हो रहे थे। तो ये श्रीराम जी का सबका साथ सबका विकास वाला मॉडल था। और श्रीराम जी ने जो सबका साथ सबका विकास वाला मॉडल दिया, इसमें हर एक तबके की, हर एक समाज के व्यक्ति की, हर एक समाज के दृष्टिकोण की जरूरत। भारत की खासियत, जैसे नेहरू जी ने हमें बताया, विविधता में एकता। भारत की खासियत ये नहीं है कि एक ही सोच हो, भारत की खासियत ये नहीं है कि दंगा मार के सबको एक ही राह लाया जाए। भारत की खासियत सबका साथ सबका विकास और विविधता में एकता। और ये विविधता में एकता बनाने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका 56 इंच का सीना हो या ना हो, उसका 56 इंच का दिल होना चाहिए और उस दिल में सबको समाने की। पर 56 इंच का सीना हो तो अच्छी बात है, वरना पाकिस्तान जो है उसके लिए हम लोग जो है टॉलरेट नहीं है। तो मुझे लगता है ये 4 या 5 चीजें मैंने आपको गिनाई है, जो सेक्युलरिज्म में दृढ़ विश्वास रखता हो, जो करप्शन के खिलाफ लड़ने को तैयार हो, जो आतंकवाद से निपटने के लिए दो मन में बात ना करे, एक ही मन और एक ही जुबान से बात करे और भूत और जवाब दे सके, और जो अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी का कदम जैसे अपनाएगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें, पर भाई साहब अगर हम जीएसटी नहीं अपनाएंगे तो हम कैसे आगे जाएंगे? ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है आजादी के बाद। और मैं गर्व करता हूं कि मेरे देश में आज जीएसटी लागू हो सकता है। इसमें 3 प्रॉब्लम हो सकता है, शुरुआत में बहुत सारी समस्याएं, हो सकता है बुरा भी लगे, मुझे भी जीएसटी देना पड़ता है, अरे बहुत कंफ्यूजन। पर आज जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा, आज जो टैक्स बेस बढ़ा, आज जो ज्यादा लोग टैक्स दे रहे हैं, ये भी एक प्रमाण है, एक प्रतीक है कि आज लोग मन बना के कह रहे हैं कि मैं ईमानदारी से टैक्स भरने जाऊंगा, क्योंकि मुझे सरकार का भरोसा है कि मैं जब टैक्स का पैसा दूंगा तो मेरा 1 रुपया जो है गरीब के उसके जनधन में जाऊ, उसके गैस सिलेंडर को फंड करने के लिए मेरा पैसा जाए। तो ये चीजें होनी चाहिए। अब इन खूबियों के आधार पर आप तय कीजिए कि आपको किससे वोट करना, और यही आपके मन में होना चाहिए। और आप वोट दीजिए, नोटा ही दबाना है तो नोटा दबा के आइए, पर मैं समझता हूं कि आप लोग फैसला कीजिए जैसे हमारे साथी ने फैसला किया। 5 साल में क्या मिला और क्या कहा गया और क्या कह रहे हैं और क्या किया, और 70 साल में क्या हुआ, इन चीजों को अगर आप मन में रखोगे तो देश का प्रधानमंत्री, मुझे यकीन है कि 2019 में आप ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाओगे जो अपनी काबिलियत के बलबूते पर होगा, ना कि किसी नाम के बलबूते पर। वो नामदार नहीं बल्कि कामदार प्रधानमंत्री होगा। मुझे बहुत बहुत उम्मीद है, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही पार्लियामेंट को भी जीवित रखिए, कम से कम ये पार्लियामेंट जिंदा रहे, वो पार्लियामेंट झगड़ा करती रहे तो भी चलेगा। आपका पार्लियामेंट जो है उसमें हमेशा जिंदगी रहनी चाहिए, उसमें हमेशा क्यों सुख रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल स्पीच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अटल चड्ढा सर से कि वो आईटीएस प्रतीक चिन्ह हमारे गेस्ट श्री शहजाद पूनावाला, डॉक्टर उदिता त्यागी, डॉक्टर रिचा सूद, डॉक्टर धनेश एडवोकेट धनेश गर्ग और मिस्टर शिवम गर्ग को आईटीएस की तरफ से सम्मानित करें। Thank you.
अब मैं प्रार्थना करूंगा सरसों की डॉक्टर उदिता त्यागी जी को सम्मानित करें। Now I request sir to present the memento to Dr. Richa Sood. Now I request sir to present the memento to Advocate Dhanesh sir. अब मैं प्रार्थना करूंगा सर से कि हमारे अध्यक्ष श्री शिवम गर्गजी को सम्मानित करें। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अब वक्त आ चुका है पैनल डिस्कशन का। दोस्तों श्री अटवी चंडल सर जी को अचानक ही जाना पड़ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवम से कि वो सर को मोमेंटो प्रेजेंट करें अंतर्बल यूथ फाउंडेशन की तरफ से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस। दोस्तों क्योंकि गैस का टाइम भी बहुत ज्यादा होता है और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें सीधा सीधा बात करी है। आप लोगों ने सुना रामायण, आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। रामायण में एक चित्रण आता है राम जी को वनवास, आप लोग जानते हैं वहां से ज्यादा डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। जनता के पास अधिकार था वो भारत को चले, राम को चले। तो इस डेमोक्रेसी का उदाहरण वो भी है, जनता के पास अधिकार था किसी को भी चले, राम जी को वनवास हो जाता है। वनवास के लिए उन्हें नाव पार करनी होती है, बीच में एक नदी पड़ती है जहां पर उन्हें उनका मित्र मिलता है केवट। आप सब लोगों ने शायद सुना हो। तो नाव पार करने के लिए केवट उनसे बोलता है आप मेरी नाव में तो चढ़ जाइएगा लेकिन आपके चरणों की धूल से पत्थर स्त्री बन जाती है, मेरी नाव स्त्री बन गई तो क्यों ना मैं आपके पैरों को पहले धो दूं। राम जी ने कहा धो दे भाई, सब धो गए, तू भी धो दे, तेरा कहने का तरीका भी अच्छा है। उन्हें ये नहीं कहा मुझे मोक्ष चाहिए मैं अपने पैरों को धो दूं, उन्हें कहा पैर से लगा के कहीं मेरी नाव उसकी ना बन जाए इसलिए आपके पैर। राम जी खड़े हैं, आप लोग कल्पना कीजिए राम जी खड़े हैं, पैर एक पैर धो दिया, एक पैर ऊपर करके रगड़ के पैरों को धोया जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब तक दूसरा पैर ढा दिया, राम जी बोले भाई मैं थक गया, तब तक मेरे पैरों को ढाके रखेगा। केवट बोलता है राम जी से आप एक काम करिए मेरे सर पे हाथ रख दीजिए आपको सहारा मिल जाए। राम जी ने कहा मेरे सर पे हाथ रख दीजिए आपको सहारा मिल जाए। ये नेता और जनता के बीच का रिश्ता होना चाहिए, हम उन्हें वोट दे, वो बदले में हमें फैसिलिटीज दे, हमें हमारा अधिकार दे, हमें वो सहारा दे और हम उन्हें सहारा दे। एक ऐसे नेता की हमें तलाश है। तो सीधा सीधा वक्त बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो चला है, सीधा सीधा पहले सेशन का शुरू करूंगा। सबसे पहले जितना मैं अपनी बात रखे उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन क्यों होंगे। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सादर नमस्कार। आज का डिस्कशन बहुत सार्थक है और शुरुआत इतनी शहजाद भाई ने बढ़िया तरह से करी है कि भाजपा की स्वच्छ भारत अभियान की पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मेरी तरफ से बहुत ज्यादा साधुवाद भाई साहब को। इतनी अच्छी से शायद मैं भी नहीं समझा पाती कि सरकार ने क्या किया, क्या योजनाएं चलाई और उसका आम आदमी को क्या लाभ मिला। अगर आप मुझसे पूछें कि 2019 के प्रधानमंत्री के लिए हम किसको चुनेंगे, कौन होगा, तो मैं हमेशा जैसा कहती हूँ आई एम द चेंज, मैं परिवर्तन चाहूंगी। और इस परिवर्तन को देखते हुए ही 2014 में इतना बड़ा मैंडेट हमारी सरकार को मिला। आप लोग सभी इस बात से सहमत होंगे कि 70 साल से काफी मजबूत लोग थे जो काम कर रहे थे और अब 4 साल से काफी मजबूत लोग हैं जो देश के शासन को एक दिशा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिशा में बढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा हम लोगों को सहयोग रहा, जो सबसे ज्यादा हमको समर्थन मिला वो आप लोगों से मिला, युवाओं से मिला। 2014 की सरकार जो थी वो युवाओं की सरकार, आप लोगों ने पूरी तरह से 60 साल का जो प्रबंधन और कुप्रबंधन कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा चला आ रहा था उसे एक बिल्कुल बदलने का काम किया। बहुत
अच्छी बात है कि जो देश का युवा है जब वो जुड़ेगा, देखो शहजाद भाई सब बता चुके हैं क्या क्वालिटीज है क्या है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी थोड़ी सी बात ये रखेंगे कि आपका इसमें क्या भागीदारी होनी चाहिए। जैसे अभी शुभी नाम है ना सुरुचि, जैसे सुरुचि ने अभी कहा जॉब्स की बात है, अभी हम लोग भी सर्वे डिस्कस कर रहे थे आपस में। देखिए हम लोगों की दो चीजें हैं, चीजें ये कि जो हमको विरासत में मिला है हम उसका क्या कर रहे हैं, और जो विरासत के साथ जिम्मेदारी आई है उसका क्या कर रहे हैं। जैसे अभी आपसे पूछा कि कितने लोग वोट करेंगे, वोट करने के लिए सारे लोग राजी हैं, लेकिन जब जिस दिन वोट का दिन आएगा कितने लोग वोट करने जाएंगे उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर भागीदारी की बात है कि युवा राजनीति में किस तरह से भागीदारी करना चाहता है और क्या बदलाव चाहता है। ये तो आप निश्चित तौर से मानेंगे कि जब परिवर्तन की बात हो तो किसी भी देश में समाज में आप अपना इतिहास उठा के देख लीजिए, परिवर्तन हमेशा युवा लाए हैं ना। आवाज तो आई नहीं, सो गए सारे लोग। इतना प्रभावी उद्घोषण के बाद में आदमी सोचने भी लगता है कि इसमें क्या क्या चीजें थी जो हमारे मतलब की थी, क्या कहा गया। तो परिवर्तन तो हमेशा आप ही लोग लाओगे ये निश्चित है, और प्रधानमंत्री आपको कैसा चाहिए ये तय करने वाले भी आप ही होने चाहिए। अगर आप नौकरी की बात कर रहे हो, नौकरी मांग रहे हो, तो वोट देने में जाना चाहिए, आपकी सहभागिता वोट के माध्यम से तो सुनिश्चित होगी उस डेमोक्रेसी में। और अगर वोट दिया तो फिर पूरा अधिकार है, फिर आपको पूछना चाहिए कि भाई क्या हुआ जो आपने नौकरी के लिए कहा, क्या हुआ जो आपने स्वच्छता अभियान की बात की, क्योंकि स्वच्छता अभियान में देख भी नहीं हूँ पिछले 11 वर्ष से, तो मैं यहाँ मजबूती से अपना बात रख सकती हूँ कि महिलाओं के लिए वास्तव में इससे बड़ी सम्मान की स्थिति पिछले जो 4 सालों में हुई है कभी नहीं रही, बहुत एक बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन ये परिवर्तन भी दोबारा से मैं कहूँगी आप ही लोगों की वजह से आया है, इस परिवर्तन की आपने कल्पना की, इस परिवर्तन की आपने इच्छा शक्ति दिखाई, सरकार बदली और ये परिवर्तन दिखाई देगा। तो जो देश के प्रधानमंत्री की अगर आप बात करें तो दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसे राजनीतिक इच्छा शक्ति भी आप कह सकते हैं, वो होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए मजबूर करने वाले आप लोग, उस इच्छा शक्ति को उनको अपनाने के लिए मजबूर करने वाले आप लोग हो, जब लगातार आप वोट दोगे, सिस्टम बदलोगे, लगातार पूछोगे कि भाई जो आपसे वायदे किए गए, जो बात की गई, वो कितनी कहां तक पूरी हुई। ये जागरूकता का विषय है, जागरूकता का विषय है। वोट दे दी, सरकार बन गई और अब 5 साल बाद हम तुम्हें देख लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह की यूथ पार्लियामेंट्स और इस तरह की डिस्कशन प्रधानमंत्री कहता हूँ, मुझे लगता है हमें देश की हर कॉलेज में करने चाहिए, हर कॉलेज में युवाओं की जो सहभागिता है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग देश का भविष्य हो। हम भारत, उस भारत में बैठे हैं जो 65% लोग जो हैं वो युवा हैं आपकी जैसे, लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो कुछ नहीं बनने वाला। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो ये तो आप ही को सुनिश्चित करना है, आप ही को तय करना है। हम लोग सिर्फ मिलकर इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 4 साल का भाजपा का शासन अच्छा रहा है, जो बात वायदे कह गए उस दिशा में हम लोग बहुत सक्रिय रूप से, बहुत अच्छी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो वायदे आप लोगों से किए गए सरकार के माध्यम से, हम सभी लोग जिसमें कि आपकी भागीदारी भी है, मिलके उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। इतनी खूबसूरत बहन है, उतनी खूबसूरती से हमने बात भी रखी है, बहन एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा ऋचा मैम हम लोगों का मार्गदर्शन करें, मैम साहित्य से भी जुड़ी है तो मैम शायद साहित्यिक दृष्टि से भी बता पाएगी कि कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप सभी युवाओं को मैं नमन करती हूँ क्योंकि आप सभी जागरूक युवा हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। पहले तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि आप भी घर पे बैठ सकते थे, सो सकते थे, सैटरडे को मूवी देख सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन शायद आपने देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, तो इसलिए आप लोग यहाँ हैं। सैल्यूट टू यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। और इनके साथ मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि मैं एक टीचर हूँ, टीचर का जो सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कल्ट करना, कल्चर बनाना। हम आपको बाहर से भी करते हैं और अंदर से भी करते हैं, अंदर से भी आपको कल्ट करते हैं और बाहर से भी कल्ट करते हैं। तो बाहरी कल्चर शहजाद जी ने भी बहुत सारा किया, उदिता जी ने भी बहुत सारा किया। मेरी कुछ इच्छा रहती है कि मैं धारा के विरुद्ध अक्सर चलती हूँ और इसलिए बुरी भी बन जाती हूँ,
तो मैं बुरा या अच्छा या पक्ष या विपक्ष किसी की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उन जरूरतों की बात करूंगी जो अभी भी बाकी हैं एक आम इंसान एक आम जन होने के नाते। तो पहली जरूरतें जैसे आपने बोला कि जॉब वास्तव में अभी भी दूर दूर तक बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा। स्किल इंडिया की बात हुई हमारे सामने, लेकिन स्किल इंडिया के नाम पे भी हमारे पास अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। शुरुआत बहुत अच्छी अच्छी हुई है, लेकिन शुरुआत में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि दिखावा सोशल मीडिया पे उसको शो करना वो सब कुछ बहुत है। मैं एक एनलाइटनमेंट का काम कर रही हूँ, एक जागरूकता का काम कर रही हूँ, कोई पक्ष और विपक्ष नहीं, सिर्फ एक एनालिटिकल अप्रोच। तय आपको करना है सही और गलत, कौन सही कौन गलत वो आपके हाथ में है, आपका फैसला सरा। मैं कुछ मुद्दे ऐसी बात करना चाहूंगी कि जादुई छड़ी से मैनिफेस्टो हमारे सामने रख दिए जाते हैं, क्या वो पूरे होते हैं? चाहे वो ये सरकार थी या पिछली सरकार थी, जागना आपको है, आपको एनालाइज करना है। दूसरी बात, मैं कुछ इन दिनों ये महसूस कर रही हूँ कि हमारे यहाँ देश में स्पेशली शहजाद जी मैं आपका ध्यान चाहूंगी कि हमारे यहाँ देश में पिछले 4 सालों में रिश्वतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रिश्वतें पहले भी थी, आपने सुना होगा भ्रष्टाचार कम हो रहा है, लेकिन जहां तक मैंने प्रैक्टिकली खुद अपने को लेके महसूस किया है, हम कोई काम करवाने के लिए जाते हैं तो डराया ज्यादा जाता है। आप शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, डराया ज्यादा जाता है और काम कम किया जाता है, और अगर वो काम करना होता है तो उसकी रिश्वतें जो पहले 20-25 हजार थी वो लगभग 2.5 लाख होती थी। मैं इस चीज की भुक्तभोगी स्वयं हूँ, इसलिए प्रैक्टिकली मैं आपको बता सकती हूँ। एक चीज मैं और कहूंगी, जिन राज्यों में अब तक भाजपा सरकार नहीं थी इन पिछले 4 सालों में, उन सभी मुख्यमंत्रियों का एक दोषारोपण रहा है कि हमारे राज्य को जो एक निधि मिलती है विकास के लिए निधि मिलती है वो पर्याप्त निधि नहीं दी गई, ये पार्शियलिटी क्यों की गई, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश तो नहीं आता। उत्तर प्रदेश तो बहुत ही ज्यादा लकी है, हर लेवल पर इसमें भाजपा की सरकार है। इसमें कुछ प्रदेश जिसमें सबसे प्रमुख प्रदेश है आंध्र प्रदेश, जो नया नया ही बना था और उनके जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें आज तक यही शिकायत है कि हमें कभी भी केंद्र से जो निधि मिलनी चाहिए थी विकास के लिए वो कभी भी नहीं मिली। ऐसा क्यों? आप लोग को ये भी सोचना है, क्या वह भाजपा की सरकार नहीं है सिर्फ इसलिए या कोई और वजह है इसलिए? दूसरी बात, गुजरात मॉडल पे इंडिया को डेवलप करने के लिए एफडीआई का मॉडल भी सामने लाया गया था, वो अभी हमारा कहां तक सफल हुआ? अगर हम एफडीआई की बात करते हैं, कुछ चीजें अगर पीछे के वर्षों में जाके देखें तो एक बहुत बड़ी क्रांति जो राजीव गांधी लेकर आए थे, वो क्रांति का नाम बताएंगे? कोई बताएगा? आपके हाथ में मोबाइल है, आप हर समय ऑनलाइन रहते हैं, किस पे ऑनलाइन रहते हैं? कंप्यूटर पे। कौन लाया था? किसी के किए को भूलना नहीं है हमें, हमें सबको साथ लेके चलना है, पक्ष या विपक्ष नहीं, आपका अंतर्मन। वास्तविकता क्या है? अंतर्मन। आपके आपके अंतर्मन को खंगालने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। सिर्फ ये नहीं, आप आंखें बंद करके वोट करें या सिर्फ किसी के बहकावे में आके वोट करें, हमारी आधी जनता दारू की बोतल की वजह से भी वोट करती है, हम सबको वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो उस तरीके से भी सोचिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद एक मुद्दा उठाया गया था कि गीता, चूंकि मैं टीचर हूँ, गीता हमारे सिलेबस में होनी चाहिए, जो अब तक गीता को पढ़ना और पढ़ाना हमारे सिलेबस में होना चाहिए जो अब तक नहीं है। एक चीज मैंने इन दिनों महसूस करी, कभी न्यायालयों में शायद रिश्वतें देंगे कुछ फैसले हो जाते थे, वो न्यायालयों को शायद या जजेस को न्यायाधीशों को शायद संवेदना रहती थी कि हमें कुछ पैसा मिलेगा। पैसा अब भी मिलता है लेकिन उनकी संवेदनाएं मर चुकी है, वो इंसान के जैसे किसी दूसरे इंसान का दुख दर्द नहीं सुनते, और ऐसा ही हाल आज की तारीख में पुलिस का है जो बिल्कुल निडर हो चुकी है, जिनके ऊपर प्रशासन या शासन किसी का कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी उनके ऊपर अनुशासन का मुद्दा ही नहीं आता। पुलिस जब जो चाहती है वो करना चाहती है तो करती है और नहीं करना चाहती है तो नहीं करती है। इसका मैं साक्षात उदाहरण भी दे सकती हूँ, बहुत से ऐसे उदाहरण है कि हम अगर एक महिला अकेली पुलिस थाने में चली जाए और वो ये कहे कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, तो मैं कहूंगी कि मायावती सरकार में उनकी सुनवाई ज्यादा थी।
लेकिन आज की सरकार में उस महिला के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा दिया जाता है कि शायद आप स्वयं भी चरित्रहीन हो, आपके साथ इसलिए ऐसा हुआ। वहां पे एक बड़ा आदर्शवादी को बता दिया जाता है, मुद्दा ले लिया जाता है कि बहुत आदर्शवादी सरकार है, ये है वो है, लेकिन वो आदर्श वहीं पे मर जाता है जब महिला की बात को संवेदना से ना सुन के उनके ऊपर एक लांछन लगा दिया जाता है कि आप स्वयं चरित्रहीन होगी, आपने आप रात में 6 बजे या 8 बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकली। तो ये बातें ना हो, इस बात पे भी आपको सोचना होगा। और इसके साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, मैं नहीं जानती वो सही है या गलत है, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि जो परिवार को साथ लेके नहीं चल सका वो देश को साथ लेके कैसे चलेगा। जिसकी पत्नी साथ नहीं है, भाई बहन साथ नहीं है, उनके लिए उसने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने जो बहुत कुछ किया वो अडानी अंबानी बिरला उन सबके लिए किया। आप देखिए उनकी निधि पहले से कितनी ज्यादा हो चुकी है। जियो को देख लीजिए, क्योंकि एक मैं टीचर हूँ, मैं अंतर मन की बात कर रही हूँ, मैं किसी दबाव में बात नहीं कर रही हूँ, कैसे भी बात नहीं कर रही हूँ, कोई पक्ष नहीं कोई विपक्ष नहीं, सिर्फ एक जगाने की कोशिश कि अगर हम परिवार को अपने परिवार को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं तो क्या हम देश को साथ लेके चल पाएंगे। शहजाद जी शायद आप मुझे इस बात के लिए कहें कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या कुछ भी ऐसा, लेकिन ये गलत या सही की बात नहीं है, निर्णय आप लोगों को लेना है। अडानी अंबानी बिरला टाटा इनकी संपत्तियों का आंकलन जरूर कीजिएगा, कितना बढ़ा कितना कम हुआ, ठीक है। और अंत में मैं ये कहूंगी कि जहाँ सोच है वहां, जहाँ जुनून है वहां सफलता आपके हाथ में है। सोच आपके पीछे खड़ी है बड़े लोगों के तरीके से, बड़े लोगों के रूप में, जुनून आप युवाओं में है, बदलाव आपको लाना है। थैंक यू। तो आप लोगों के सवाल, इसके लिए आज हम सब बहुत उत्सुक है। बताइए कौन कौन सवाल पूछना चाहेगा, शहजाद जी से मैं, आप बैठ से भी आ सकते हैं और बात भी पूछ सकते हैं, वहीं से पूछ सकते हैं। मैं पहले तो एक प्रश्न से अपने अपने प्रश्न पूछने से पहले दो लाइनों में फिर याद रखना चाहूंगा छोटी सी बात में। जब हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री की, हमें देश के प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, क्या हमें अपनी जिम्मेदारी भूल जानी चाहिए, क्या सिर्फ वोट देना हमारा अधिकार है कि हमने वोट दे दिया अपने हमने हमारे वोट देने से देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर सरकार कोई योजना चलाती है, जैसे अभी सरकार ने योजना चलाई थी बड़ी अच्छी योजना हमारे देश के लिए स्वच्छ भारत अभियान, हम कितना अपने देश को स्वच्छ रखते हैं, हम भी तो खाना खाने के बाद सड़कों पर कूड़ा फेंक देते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति पड़ती है, हमें उन जिम्मेदारी को निर्वहन करना चाहिए। और मेरा ये है कि जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के चुनाव की, प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, क्या हमें प्रसिद्ध प्रधानमंत्री का अपने मन में इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमें देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए उस बात को वोट डालना चाहिए, हमें अपने स्थानीय प्रतिनिधि को भी देखकर वोट डालना चाहिए। राष्ट्र जो प्रधानमंत्री है वो तो देश के लिए काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो हमारे लोकल प्रतिनिधि है उनका भी हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। जिस क्षेत्र से हम आते हैं उस क्षेत्र की समस्याएं क्या है वो प्रधानमंत्री ज्यादा, हमारा जो लोकल प्रतिनिधित्व करते हैं वो ज्यादा समझते हैं, उनकी भी हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उनकी सरकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ये कहीं ना कहीं नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगला जो अंतर्मन का क्वेश्चन होगा वो ये नहीं होगा कि 2019 में प्रधानमंत्री कौन, 2019 में एमपी कौन, 2019 में एमएलए कौन, ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर एक व्यक्ति वोटर जो तय कर ले कि अच्छा प्रतिनिधि चुनकर जाए, तो मुझे निश्चित ये उम्मीद है कि अगर 540 से ज्यादा अच्छे प्रतिनिधि एमपी बन के जाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छी सरकार देंगे और अच्छा प्रधानमंत्री देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए हमारे संविधान की व्यवस्था यही है। ये मीडिया पीछे पड़ी रहती है प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन, वो होना भी है, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिशन में कोई और चेहरा नहीं होगा तो वो भी एक है, एक प्रधानमंत्री बनने के लायक है, दूसरा अब छोड़िए। गलत पूछो ही मत भाई, नहीं नहीं गलत है, पूछना सही पूछो। अच्छा बताओ क्या बोलो, वही सब खुले मत।
मैं उस बात से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा सवाल ये है कि जो जिसके साथ परिवार नहीं है उसमें अच्छे लीडर की करना खूबियां है, क्या इस बात से कह सकते हैं कि उसके साथ परिवार हुए तो एक चीज मैं ये बोल दूं कि मैंने भी अपने बहुत सारे परिवार के लोगों को खोया है क्योंकि मेरी विचारधारा कुछ है। बैठ जाओ। आसान ये है कि अपने अपने कुंबे को अपने अपने परिवार को भी प्रतिनिधि बना के पूरी पार्टी बना के मेरी पार्टी परिवार हुआ करती थी, अब परिवार पार्टी बन चुकी है। अखिलेश यादव की पार्टी में अगर आप अखिलेश यादव के परिवार से नहीं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, चाहे आपको स्थानीय चुनाव का हो या लोकल का एमपीडी का, आपको कोई और पार्टी, सब जगह पार्टी में परिवारवाद हावी है भाई, बीजेपी में भी है। पर अपने परिवार के हित को आगे करना और अपने परिवार हित को पीछे करके राष्ट्र हित को आगे करना, ये सब में वो क्षमता नहीं होती। और जो करता है उसको ताना मारना, ये मुझे लगता है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात। दुर्भाग्यपूर्ण या भाग्यपूर्ण वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगी कि मैंने ये नहीं कहा कि वो परिवार को, मैंने ये कहा कि वो उन लोगों की संपत्ति आखिर कितनी बड़ी। श्री राम ने कितने साल अपने परिवार को छोड़कर वो वनवास में गए थे। अच्छा है कि ये लोग विपक्ष के लोग तब नहीं थे बोलते, ये तो राम अपने परिवार को मैंने नहीं कहा था, ये राम जिसका सपोर्ट हो रहा है उनको आप लोग। मैं एक चीज ये भी बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी अगर अपने परिवार को छोड़ के देश के 125 करोड़ लोगों के परिवार को तवज्जो देंगे तो मेरे जैसा व्यक्ति भी उनका समर्थन करने लगता है। है शहजाद जी, मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि कौन लोगों की संपत्ति बढ़ रही है। परिवार को साथ लेके प्रधानमंत्री की माँ की संपत्ति बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ी। प्रधानमंत्री के भाई की संपत्ति बढ़ी है क्या? प्रधानमंत्री की बीवी की संपत्ति बढ़ी है क्या? उनकी बीवी का क्या लेना देना हमारे साथ? नहीं बढ़ी। यही तो मैं कह रही हूँ कि उनकी आप मूल्यांकन उनकी पत्नी पे करेंगे क्या? आप मूल्यांकन उनके परफॉर्मेंस पे करेंगे? और मुद्दा ये है कि किनकी संपत्ति बढ़ रही है, कौन आगे बढ़ रहा है, हम परिवार को साथ लेके चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये लोगों ने कहा है। मेरा मुद्दा ये था कि संपत्ति किसकी बढ़ रही है, क्या आपकी और मेरी संपत्ति बढ़ रही है या सिर्फ अंबानी अंडानी और ताना मिलन की संपत्ति बढ़ रही है? कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है वो जानिए। मैंने ये कहा ही नहीं जिस मुद्दे को आप लेके चल रहे हैं। शहजाद जी आपने बीजेपी पार्टी की संपत्ति के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी की संपत्ति बढ़ी है, खूब बढ़ी है, जो कांग्रेस कई सालों में लुटियन कोर्ट के कार्यालय के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। और आपको ये सवाल पूछना चाहिए ना कि ये कि जो परिवार का नहीं हो पाया वो दूसरे लोगों के। मैंने आपने गलत सवाल बीजेपी के प्रवक्ता बैठे उनसे पूछे कि नई दफ्तर इन्होंने बना दी, राम जी को अभी भी तारकोली में रखा है। गलत को गलत कहे, सही को सही कहे, सही को सही कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। मैं सही को सही कह रही हूँ, गलत को गलत कहने की हिम्मत। कि आपको शायद पसंद है कि कोई इटली का परिवार आके भारत का नेतृत्व करे, आपको पसंद नहीं है। पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने अभी तक राहुल गांधी के परिवार के बारे में एक भी बात नहीं की। मेरे पास बहुत अरविंद केजरीवाल के परिवार के बारे में बात की नहीं की, आप भी किसी के परिवार के बारे में नहीं। ये सवाल बिल्कुल जायज है, बीजेपी से पूछे कि उनके दफ्तर बने हैं पर राम जी का मंदिर नहीं बना, ये बिल्कुल पूछे आप। सर एसी का थोड़ा और बंद करवा दीजिए। प्रधानमंत्री चोर है, कल जिग्नेश मेवाणी बोलते हो नमक हराम है, ये डिस्कोर्स होगी हमारे देश में, ये शब्दावली होगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का काम करके पैनल डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। आप पैनल ये शब्दावली विपक्ष जो है ना बौखला गया है, विपक्ष पागल हुए हैं, इनको पता नहीं क्या। ऐसा विपक्ष हो तो मुझे समझ में आता है कि आप क्यों लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष विकल्प भी नहीं दे पा रहा।
विपक्ष सिर्फ गाली गलौज पे उतर आए। पहली बात तो मैं विपक्ष नहीं हूँ, आप ये जो अजीब से बात कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं उसे चिंता लगेगी, राम मंदिर भी इनको अजीब ही लगेगा। मुझे तो अजीब नहीं लग रहा है, लगना है आप गीता की वकालत के लिए राम मंदिर पे मैंने बोला तो आपको अजीब लगने लगे। मेरे राम मंदिर मस्जिद लगा सिर्फ चिल्लाने और दबाने, आपका काम है चिल्लाने और दबाने का, मैं सहमत नहीं। दूसरों की आवाज को दबाना सीख गए हैं, शायद यही आपका काम है। इस देखिए सत्ता का काम है कान से सुनना, केवल दबाने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको दबा दिया जाए, आपकी सोच को दबा के बदल दिया जाए वो गलत है। मैं जगाने का काम कर रही हूँ, आप दबाने का काम कर रहे हैं। बस कम से कम मैंने अपने बच्चों की सौगंध खा के नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा और राजनीति में नहीं आऊंगा। मैं मर जाऊंगा पर मैं इनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा। ये ऐसे लोगों से वादे भी जो है ना उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, जो भी जन सार्वजनिक जीवन में जो लोग आते हैं उनको गाली गलौज करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, अगर कोई अरविंद केजरीवाल को गाली देता, कोई राहुल गांधी को देता, तब भी मैं इतनी ही उत्तेजना से बोलता। आरक्षण पे बहुत लंबा मुद्दा है भाई, आरक्षण पे बात करनी है तो उतने आरक्षण को आर्थिक। चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मेरे हिसाब से कोई भी आरक्षण जिसमें काबिलियत बुनियादी पैमाना ना हो उस आरक्षण को खत्म करके ऐसे आरक्षण को लाना चाहिए जिसमें बुनियादी पैमाना ही और इसमें यह भी बुनियादी चीज सुन लीजिए, आरक्षण जो किसी को अपने नाम की वजह से मिलता है ना कि तुम गांधी के बेटे हो इससे तुम प्रधानमंत्री बनोगे, ये भी आरक्षण। दोस्तों माहौल बहुत गांधी गांधी नाम आया कहाँ से था वो भी सोच के चलिएगा। फिरोज गांधी है, महात्मा गांधी की सत्ता नहीं है, महात्मा गांधी है। दोस्तों आरक्षण में भी आरक्षण दबा दी और माहौल बहुत गर्म हो गया। मैं अपनी दो कविता जरूर कहना चाहूंगा आपको, शायद बता दी कितनी तो मुझे अच्छी लगे अलग लगे। आपने गाना सुना होगा उससे रिलेटेड है, कुंडी मत खटकाओ अब एक गाओ। आरक्षण का मतलब समझाता हूँ बिल्कुल ताजा ताजा, आरक्षण का मतलब समझाता हूँ बिल्कुल ताजा ताजा, कुंडी मत खटकाओ सीधा अंदर आओ राजा। आरक्षण की बात है, मेरा उसमें एक ही कहना, एक ही बात मैं हमेशा कहती हूँ, कहीं भी मैं जाती हूँ तो यही कहती हूँ कि आरक्षण हालात पे मिलना चाहिए, जात पे नहीं मिलना चाहिए, जिस पर अभी तक देश कंफ्यूज है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे आगे की भी अपॉइंटमेंट रखनी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हम लोग बहुत सारे अंतर्मन करेंगे और सारे सवाल और जवाब करेंगे, उसमें सवाल जवाब ज्यादा रखेंगे और उसमें ये भी पूछेंगे बीजेपी वालों से कि भाई आपका दफ्तर कैसे बन गया, क्यों बन गया, कहाँ बन गया, क्यों नहीं बना, ये सबसे पूछेंगे। ठीक है, खुश किसी को दबाया नहीं जा रहा है, सब लोग अपना बुलंद आवाज से बोलो और सब लोग बुला रहे प्रधानमंत्री को, जब गाली देने पे कोई रोक नहीं रहा है आपको, सिर्फ बोल रहे कि मत दो, तो आप भी आजादी चाहिए और भी आजादी चाहिए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अंतर बन गए, मत का सबसे वादा लेते हैं, जब दोबारा करेंगे सब फिर से होंगे सर वादा। ये वो वाला वादा है, मैं अपने बच्चों की सौगंध खाने वाला वादा नहीं, मैं सच में वादा करता हूं, सच में वादा करने गए इसी मत पाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन जब भी होगा सर फिर से होंगे। इस बार सिर्फ आपके क्वेश्चन और पैनल के आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए माता की जय, माता की जय। दोस्तों मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री शहजाद पूनावाला जी हम सबको इस मंच पे बीच में ही जरूरी काम पर जाने से छोड़ कर जा रहे हैं, मतलब फिर दोबारा वापस श्री अंतर बन के मंच पे आएंगे, वो सबने वादा करा वो जरूर आएंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अध्यक्ष शिवम गढ़ से कि वो सर को मोमेंटो प्रस्तुत करें। चलिए इसलिए कि आपकी दीवारों पर सिर्फ अंतर्मन और अंतर्मन ही नजर आए, क्योंकि अब तक आपके घर द्वारा सिर्फ अंतर्मन नजर आ रहा है और या फिर आइए
मैं गाजियाबाद को सब हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, मैं बोलिए दोनों कहते हैं गाजियाबाद जी आगे अब नाउ आई रिक्वेस्ट टू रूम 238 डॉक्टर उदिता कागरा. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवम से कि शिवम मोमेंट तो देखिए डॉक्टर रिचा सिंह मैसेज करते हुए. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिवम से कि वो एडवोकेट धनेश गर्ग जी को सजेशन पेश करें कमेंट को देकर. अब मैं शिवम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर सुनील कुमार पानी जी को मोमेंटो देकर सेलिब्रेट करें. तो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्वागत रह गया, वो रह गया सोना सरकार सर, मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि सर हमें तो व्यवस्थाओं को बनाने में लगे जाते हैं. सर एक बार आप यहाँ पे आ जाइए और एक बार सर के लिए जोड़ रहा था आगे होने बहुत सारे लोगों ने टीम अंदर बनकर बना था. हमें शहजाद जी का तो एक बार सब लोग फटाफट आ गए, फटाफट तो करवा देंगे धीरे धीरे करो. टीम अंदर बन प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए और हमारे पैनलिस्ट को एक बार करो. अमर बंसल स्टेज पे चाय चाय नहीं खाइए बस 100 रुपया में ज्यादा खा लिया आवाज आ रही है. समझ आ जाओ
काट दे यहाँ से यहाँ से बैस हो गई जी जी आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और आईटीएस थैंक्स एंड कांग्रेचुलेशन टू द डिग्री फॉर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग दिस पैनल डिस्कशन थैंक यू सर थैंक यू सर आप सर क्या करें फ्रीज कर देंगे खत्म हो गया सॉरी सर फिनिश हो गया क्या कर दूं मैं इसको ना फिनिश ये फेसबुक लाइव को फिनिश कर दूं ना सर कर दो चाहता